नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग इजी चैनल में। दोस्तों आज का हमारा रेसिपी बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी है। तो आज हम लोग बनाएंगे मैगी ऑमलेट। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैगी आमलेट का रेसिपी शुरू करते हैं। हमने पानी को गर्म कर लिया है, अब इसमें हम लोग मैगी को ऐड करेंगे। तो चलिए मैगी में हम लोग मसाला ऐड कर देंगे, जो मैगी के साथ में मिलता है वही मसाला ऐड करेंगे इसमें हम लोग। मैगी को अच्छे से पकने देंगे, इसका जो भी पानी है लगभग पूरा सुखा लेंगे इसे अच्छा तरह से। तो देखिए दोस्तों मैगी लगभग बन गया, देखिए पानी पूरा सूख चुका है, अब इसे हम लोग उतार लेंगे। तो दोस्तों देखिए दो मैगी के लिए हम लोगों ने 3 अंडे का आमलेट बनाएंगे। इसमें फाइन चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और साथ में टमाटर, इसे भी बिल्कुल बारीक काट लिया हमने, और हरा मिर्चा और थोड़ा सा धनिया पत्ता। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा गोलकी पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अंडे को बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम लोग ऑयल लेंगे इसमें। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें अंडे को ऐड करेंगे। तो देखिए अंडा लगभग एक साइड से पक चुका है, अब इसमें हम लोग मैगी ऐड करेंगे। तो चलिए इसमें मैगी ऐड करते हैं। इसके ऊपर से हम लोग थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। अगर दोस्तों आपको पसंद है गोलकी तो आप कृपया इस प्रकार से गोलकी पाउडर को डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए अंडे को बिल्कुल आधा आपको पलट देना है केवल, बस हमारा अंडा पूरा धीमी आँच में अच्छी तरह से पक गया है, अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा मैगी आमलेट बन के तैयार है, आप भी इसे घर पर बना सकते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट के रूप में बहुत ही अच्छा है। सूरज जी कुछ बोलिएगा। एक नंबर, बहुत ही मस्त है, अभी इसे घर में ट्राई कर सकते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए। एक चम्मच खा के देखिए, उसके बाद बताइए कमेंट में कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। देखिए उदय जी, आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।